नमस्कार, खेल अड्डा में आपका स्वागत है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार 25 नवंबर को ऑकलैंड वनडे मुकाबले में पंत 15 रन बनाकर चलते बने। पंत को लॉकी फर्ग्यूसन ने बोल्ड कर दिया। पंत ने 15 रन बनाने के लिए 23 गेंदे खाली और वह पूरी पारी के दौरान आउट ऑफ टच लगे। पंत की यह इनिंग बताती है कि वह किस कदर खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इससे पहले T20 सीरीज में भी पंत का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। पिछली 8 पारियों को गौर करें तो पंत के बल्ले से सिर्फ 86 रन निकले हैं और इस दौरान उनका एवरेज 11 से भी कम का रहा है। इन 8 इनिंग्स में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए 2 अनऑफिशियल T20 मुकाबले भी हैं। इन 8 इनिंग्स में पंत एक बार भी 30 रन का आंकड़ा नहीं टच कर पाए। देखा जाए तो ऋषभ पंत का सीमित ओवर में फॉर्म शुरुआती समय से ही खराब रहा है। पंत ने 66 T20 इंटरनेशनल मैचों में 22.43 की औसत से 987 रन बनाए हैं। इस दौरान T20 इंटरनेशनल में पंत ने 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 65 रन रहा है। वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो पंत के नाम 28 मैचों में लगभग 36 की औसत से 855 रन बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि पंत को क्या और मौका मिलना चाहिए?